हेलो पब्लिक, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। जुम्मे का डिनर दूसरा रोजा है, पहले रोजे का व्लॉग हम डाल चुके हैं। जुम्मे की तैयारी करने लगे हैं। धूप बहुत शो वाली होती है यार, जुम्मे के दिन मजेदार वाली धूप हो रही है। जैसे आपको जुम्मे की आवाजें आ ही नहीं होंगी, खुतबा चल रहा है कहीं कहीं ये कहीं कुछ। थोड़े अपने चेंज करते हैं, निकलते हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए, क्योंकि जुम्मे के बाद हमने करनी है बेहतरीन वाली पतंगबाजी। और छत पे हमारे कबूतर शबूतर डल गए हैं, कल ही पतंग हमें उड़ाने नहीं दे रहा कोई। नमाज के लिए निकलते हैं, नमाज पढ़ के वापसी आते हैं, हमें मिलेगा राबिल, राबिल से मिलते हैं। ये निकाल लेते हैं बहुत, ये पहनते हैं आज हम। अब पता सीन क्या है, घर वाले जब लगे हुए ना अपने अपने काम धंधों में, बंदा सो के उठता है। अब नीचे जाके मैं क्या किसी को बोलूँ कि यार उठो मेरे कपड़े वपड़े इस्त्री करके दो। बंदा सोचता है कि यार 2 मिनट लगने अपने कपड़े, अपने काम खुद ही करो। तो अभी इस्त्री अपने कपड़े खुद कर रहे हैं और इस्त्री मिस्त्री करके। वैसे तो आज जुम्मे को खाने में दाल चावल बने हुए, उतना पता ही होता है कि नमाज के फ़ौरन बाद आगे हमने जो है दाल चावल पर बैठ जाएगा, लेकिन दफ़ा दाल चावल नहीं मिलेंगे। दुरूद शरीफ का वर्द वगैरह चल रहा होगा, वही पढ़ेंगे। इस दफ़ा दाल चावल का तो आसरा नहीं है वजह से। स्त्रियों का डन, नाउ आई एम गोइंग फॉर शावर। नहा के निकलते हैं कपड़े वपड़े चेंज करके फिर जुम्मे की तरफ, क्योंकि अपनी मस्जिद की जमात तो निकल चुकी है और हम बहुत ज़्यादा मनहूस हैं, इसलिए हम लेट भी हो गए हैं। हम जाएंगे अब 2:30 बजे वाली मस्जिद, जो कि हमारी सोसाइटी के मेरे जैसे बहुत सारे हड आराम लड़के इस्तेमाल करते हैं उसका, क्योंकि अपनी सोसाइटी की नमाज निकल जाती है तो फिर थोड़ा सा आगे जाके 2:30 बजे वाली मस्जिद कहलाती है, वहाँ जाते हैं मज़ार वाली। मज़ा भी आता है वहाँ नमाज़ पढ़ने का यार, अलग ही ना, वहाँ का माहौल ही अलग है। तो अपन चलते हैं उधर, वहीं नहा धो के निकल गए मस्त। और मुझे लग रहा है कि मैं जो है अगली मस्जिद के लिए भी लेट हो गया हूँ, और नीचे से आ रही हैं गालियों की आवाज़ें, मम्मा बाबा दोनों गालियाँ दे रहे कि दफा हो जाए नमाज पढ़ ले। बस नहा धो के निकले अभी और चेंज वेंज किया, निकल रहे हैं भाई घर से नमाज के लिए। पैर हो नहीं पकड़ा गया बेचारा, ये नहीं बच्चा पकड़ा गया, यहाँ पर बैठ के जो है दिल पढ़ रहा है, पता नहीं कैसे पढ़ रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, दिल से तो नहीं पढ़ रहा होगा ये। अपन निकल रहे हैं भाई, मुझे ऐसे घूर रहे हैं और बाकी मोहल्ले वाले भी जो मैंने कप्तान क्या बात कर रहा, सुबह हो गई तुम्हारी, अभी उन्हें बंदा क्या बताया कि यार और भी पंचायतें बहुत होती हैं रात तक की। तो बंदा अभी किस तरह ने मुझे समझाया कि हम पहुँच रहे हैं नमाज के लिए मस्जिद से, पहुँच रहे हैं मस्जिद से जा रहे हैं, उन्होंने बंदा लेकिन समझाया तो समझाया जाए। तो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं मस्जिद, और बड़े ही मुफ्त टाइम पर पहुँचे कि बस अभी मस्जिद से नमाज खड़ी होने वाली है। तो सबसे बड़ी मारा मारी जो है ना मस्जिद के बाहर, वो चप्पल की होती है, अल्लाह माफ़ करे, बंदा धो धुआ के लेकर आता है और ऐसी रहती है हालत। बाइक भी फंस गई है, बाइक निकालते हैं। रास्ता क्या, हमने आपको बताया ही था हमारी सोसाइटी के जितने भी हड आराम लड़के हैं वो सब आते हैं इस मस्जिद में। हड आराम तो भाई सुबह हो गई है, जाओ अपनी बाइक निकाल के आ चला, क्योंकि मैंने कहा था इस मस्जिद में हमारे सोसाइटी के सारे हड आराम लड़के आते हैं जो लेट लतीफ़ है ना, इस वाली मस्जिद में। बिल्लू भाई भी लेट ही आया है भाई, सारे मतलब जितने भी मैंने बोला था ना आपको, जितने भी हड आराम लड़के सारे यहीं आते हैं भाई, जैसा आता। और बाकी आपको पता है जानने वाले बहुत है, चलते फिरते इतने मिलते हैं, कोई हड आराम मिल गया मुजाहिद को, जिसको मुजाहिद घर तक के छोड़ने का आ रहा है। वैसे ही घर जाते जाते हम लोगों को एकदम से यहाँ पे मिनी स्टूडियो नज़र आया, तो अगर आप लोग इन्जॉय करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आ सकते हैं, देखिए पूरा प्रॉपर बीच बना हुआ है, कोने पे आपको वो बैठने की जगह मिलेगी, यहाँ आप अपनी छतरी लगा के अपनी टेबल लगा सकते हैं और यहाँ डुबकियाँ भी मार सकते हैं आप, बच्चे झूला, और देखो झूला भी झूल सकते हैं, और अगर आपको नाव चलानी है तो उस कोने में आप नाव भी चला सकते हैं। We want to do पतंगबाजी today, और हमें चरखी वरखी लेकर आनी है। अब्दुल वाहिद आ गया सेंटर पे, और अब्दुल वाहिद मेरा बढ़ गया पीछे, तो मामू मुझे पतंगे दिला के लाए, मुझे पतंगे उड़ानी है अभी, और मैं साथ ही हैं, मिलकर बजाएंगे बस। अस्सलामुअलैकुम, आज से मैंने ताबीज का ब्लॉग ले लिया है, ताबीज गया अबे आज से नहीं अभी 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 से ले लिया। अच्छा तो मैंने आपको बताया ही था कि वसी और रिया आ जाए तो फिर हम पतंगे लेकर आते हैं, हमने उड़ानी है, लेकिन इतने कोई बड़े फिल्म है दोनों आ तो गए, टोपी पहना दी और ये टोपी करा के और ये शार्ट हो गए, और इन्होंने बोला कि भाई हम नहीं उड़ा रहे आज, दोनों मूड नहीं उड़ा,
ऐसा हो सकता है? नहीं भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी हम वहीं जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं रास्ता भाई। तो भाई हम लोग मिठाई वाले की दुकान पे पहुंचने वाले हैं, वो सामने मिठाई वाले गुम्बद के पीछे ही है। मारूफ 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 मिठाई वाले के पास जा रहे हैं। बोरी मेरी दुकान फाइनली पहुंच गए। बात सुनो, लेने तो हम पतंग आ रहे हैं, तो मारूफ को क्या करने आ गया? वो कॉल आ गई थी करते कि मिठाई भी ले आना जब बाहर ही गए हो तो। मिठाई लेने आ रहा है, मूड हो रहा है खा लें, लेकिन क्या करें रोजा है मजबूर है। ओ ये वाली ले रहा है मिठाई है। आके रो आज तो मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आज तो रोजा पता चल रहा है। गलती से अम्मा ने जल्दी उठा लिया था 11 बजे। आज तो भाई जुम्मे की नमाज में भी लेट हो गए थे, दूसरी मस्जिद गए भाई साहब। तुझे कैसे पता? हैं मैं आया था। तू तेरा शॉट है ना, तू बैठा हुआ चिया पड़ा था। अम्मा ने पकड़ लिया, बोली है आ जाओ बेटा नेकी का काम करो, मिले छंटी आ रहा हूँ मैं। अरे भाई पैसा ही पैसा लग रहा, इनकम आ गई 500। ये बंदा खड़ा हुआ था कि पैसा ही देखिए, ये बंदा खड़ा हुआ था कि कौन से बिजनेस चल रहे हैं तो भाग के लेने के लिए खड़ा हुआ था। ये बंदा खड़ा हुआ था कि पैसे बचेंगे, हालांकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं बचेगा। दिहाड़ी लग गई थोड़ी सी, 50 रुपए भी नहीं बचे, 20-30 भी बच जाते। बोल रहा है ऐसे कि ताबिल भाई की लगता है इनकम आ गया। मेरे कड़े बिजनेस चल रहे हैं बैठ के, और तुम लोग साला मजाक समझते हो अपने भाई। यूट्यूब कुछ भी नहीं दे रहा, यूट्यूब सिर्फ खुआरी दे रहा है मुझे। क्या दे रहा है यूट्यूब मुझे? बाबा जी का अल्लाह माफ करे, यूट्यूब से ज़्यादा तो बहन के अब्बा पॉकेट मनी दे। अच्छा बचपन से ही ना एक कीड़ा होता है बच्चे को, जब कोई घर वाला काम बोलता है ना ऐसा मुँह बन जाता है, मुँह करके बंदा ऐसा घूर के देखते हैं किडनी मांग ली। अभी मुझे मिठाई का बोला, मैंने भी ऐसी पूरा, मैंने जैसे मुझसे किडनी मांग ली। लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी काम है, पतंग वतंग भी लेने जा रहा हूँ तो ले आऊँगा। अब बाहर निकलने लगा, मुझे दे दिए 500 का नोट। अब भाई आपका भाई खुश, मैंने बोला चलो 30-40 रुपये बचेंगे, 50 रुपये बचेंगे, एक आधी पतंग और आ जाएगी। जेब से लग गए 20 रुपये। भाई मंजा पतंगे ले रहे हैं, मोहब्बत है जुनेद भाई। मजा आता है पतंगे, समझ रहे हो? हाँ तो फाइनली हमने पतंग वगैरह सब ले लिया और घर की तरफ जाना है। आप जो बोलो क्या बोल सकते हैं हम भाई, क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोले रे पब्लिक। आज पढ़ेंगे पहले भाई, फिर पतंग उड़ाएंगे, वरना अल्लाह ताला गुस्सा हो जाएंगे, सारी कट जाएंगी, सारी कट जाएंगी। इतनी महंगी पतंग नहीं है, 500 रुपये। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारी छत पे बारिश हो जाएगी थोड़ी सी, हमारी भी 500 रुपये का टीका लग गया कप्तान। सारी चलो भाई अड़िया हो, ये देखिए टीवी हमारे घर के करीब आना। वो आ गया पंजाब टाउन में, पंजाबी है ना, पंजाब से यहाँ आ गए। और बाबा साईं, बाबा साईं कराची की, इन्होंने कहना माबड़ 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 माबड़। देखो आप सब छोड़ो, एक मनु शकल जो हमें बोल रहा था पतंग उड़ाएंगे साथ, ऐसा लग रहा है कि पिट के आ रहा है घर से। मारे बंदा इसको, मारे बंदा इसके मुंह। कुछ बोलोगे आज जुम्मा सो के उठ के आ रही है लग रहा है। जुम्मा का कंपनी में पड़ा, अबे घर की मिठाई है, क्या करें घर की है तो। अबे गुस्सा देख, ओए हाथ छोड़ जाए दो हाथ रात वाले की तरह। बताइए बंदा, पता केड़ी पहना हूं मैं, तो डरूंगा मैं तेरे से, अरे नाक ही काट दो तुम बस। तो तुम क्या करते हो, चुटकियां नाचते हो यहां गर्दनों पे? तुम क्या मेरी बच्ची हो? लव बाइटे दे रहे थे मेरे को रात में, हॉपर की तूने अलग ही थी कि वो बोले मेरे को, बोलेंगे क्या पुरानी, वो कहेंगे छापर मारूफ का मिठाई कहीं और से ला दे। चल भाई आ रहा है तो आ जाए पतंग उड़ाने के लिए। विनेत की ब्रांच नंबर 2 से लेकर आए हैं हम लोग पतंगे। ये ब्रांच नंबर ये भाई, ये कुल कुल चल रहा है, ब्लॉगर भाई, ब्लॉगर भाई ब्लॉग चल रहा है। वो एहसन ने मुसलमान कर दिया आज, एहसन की नमाज पढ़ा के लाया था सबको भाई। ओपो द सेल्फी मूवमेंट भाई, एहसन ने भाई पतंगे ले लिए हैं। ये देखो बच्चा पागल हुआ है, बोले मुझे दो पतंगे। घर भी पहुंचे नहीं है, भाग रहे हैं भाई। ये खुशी देखो, ये देखो खुशी, ये लो आराम से पटे नहीं, बात तूने सुननी नहीं है, पतंगे लेकर छाट हो रहा है। सो आ गए थे छत तक के पतंग उड़ाने, लेकिन एकदम से याद आया नमाज तो पढ़ी नहीं, नमाज मेरा बाप पढ़ेगा, पहले नमाज पढ़ूँ वरना अम्मा कूट देती है पकड़ के। भाई नमाज तो अम्मा बिल्कुल बख्शती नहीं है, नमाज पढ़ ले पहले उसके बाद।
देन वी विल फ्लाई आवर काइट। सो नमाज डन, नमाज पढ़ ली है और लग गई है टोपी। आपको पता आपका भाई टोपी लगा के कैसा टोपी लगता है, टोपी लगा ली है और हम जा रहे हैं छत पे, देखते हैं इन्होंने कितनी उड़ा ली कितनी कटवा दी। हाँ भाई कितनी उड़ा ली और कितनी कटवा दी अभी तक के, तो भाई कन्ने वन्ने बन रहे हैं पतंगों की, तो मतलब देखो दुकान लगा दी है मैंने सही। तो और फिर पतंग उड़ाते और ये है कि अभी आधा घंटा रह गया रोजन, आधे घंटे में देखते क्या पतंगबाजी हम कर सकते हैं। भाई चार पेज काट के बैठा हुआ है बंदा, क्या मेरी पतंग कट गई है? एक दो तीन, कभी देखा आपने एक छत से एक साथ खड़े होकर तीन तीन बंदे पतंग उड़ा रहे हो, चौथा मैं खुद। भाई कतई पान की पतंग, ओए क्या हुआ तेरी पतंग को? फरहान की पतंग हवा में पंचर हो गई। अल्लाह अकबर, फरहान की पतंग की हालत। ये एक और निकल के आ गया फौरन, ये राबिल आ गया, राबिल हत्ता मार दिया, राबिल अब हत्ता मार दे फरहान को। कतई ओपी चल रहे हैं हमारे लंडे, कतई ओपी। और रोजे में अब रह गए सिर्फ 10 मिनट, तो हम जा रहे हैं रोजा खोलने, पतंगबाजी करेंगे अब कल। और जुनेद भाई ने हमारा भला सोच के हमें अच्छी सद्दी दी थी, लेकिन हमारी सद्दी मिली उल्टे बल की और हमारा मांझा टूट गया। सो दैट्स व्हाई पतंगबाजी आज की ख़त्म करनी पड़ेगी यहीं पर, और ब्लॉग भी करना पड़ेगा यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।